अब तो बात आगे की सोच रही है। नहीं बेटा, मैं तो बस आज के डिनर के बारे में सोच रही हूँ। कथा, प्लीज सिट ना, आई विल जॉइन यू। लिसन, जो भी कहा है उसे ध्यान में रखते हुए आज के डिनर का फायदा उठा। गो एंड सिट विद हर। कथा बेटा, मैं जरा डिनर की प्रिपरेशन चेक करके आती हूँ। जी आंटी। तो कथा, तुम मुंबई में कब से हो और लखनऊ में जो तुम्हारा घर है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। क्यूट। जी जी बिल्कुल, पूछिए। अगर लॉलीपॉप। लॉलीपॉप मेरा डॉग है। अरे ऑफिस आया था ना एक बार। ओ हाँ, या सॉरी। हाँ पूछो पूछो। हाँ लॉलीपॉप। अगर लॉलीपॉप 1000 बैग्स ऑफ डॉग फूड खाता है अच्छा बिग हेल्दी डॉग बनने के लिए, तो उसके जैसे 69 पपीज कितने बैग्स ऑफ डॉग फूड खाएंगे ग्रोन अप डॉग बनने के लिए? और उनमें से 60 पपीज 6 मंथ्स के और 9 पपीज 9 मंथ्स के। 1000 बैग्स एक पपी के लिए, तो 69 पपीज के लिए 69 मल्टीप्लाई बाय 1000 69000। हां, और वो छोटे वाले पपीज कितने थे? 69। यू नो व्हाट, आई समटाइम्स वंडर ये डॉग्स अपनी पूरी जिंदगी एक ही फूड कैसे खा सकते हैं? इट्स वियर्ड राइट। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो डिनर में नहीं खा सकते? वेरी फनी। आई थिंक थोड़ा टफ हो गया है। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा इजी पूछता हूँ। ओके जी पूछिए। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपके जैसे फूडी लोग डिनर में नहीं खा सकते? अरे ऐसी कोई भी चीजें नहीं, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। और इनफैक्ट अगर ज्यादा भूख लगती है ना तो मैं। ओके ओके अंकल, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ तो फनी बोलने की कोशिश करोगे। कोशिश? अच्छा रहने दीजिए, जवाब है ब्रेकफास्ट और लंच। वो That was smooth, champ. I like it. Champ. Okay, sorry. That was very cool. Push. आपने बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। Anyway, चलो अब डिनर पे डिनर करते हैं। ये फेटा चीज एंड वाटरमेलन सैलेड मैंने स्पेशली आप दोनों के लिए बनवा रहे हैं। अब मुझे लगा तुम्हें सैलेड्स पसंद होंगे, और चीज किस बच्चे को पसंद नहीं आता? कथा, हैव नो। ना, मुझे नहीं, मेरे दांत ना चिपकते हैं। चिपकने से याद आया, लिपस्टिक को लिपस्टिक क्यों कहा जाता है? जबकि उससे तो लड़कियों के लिप्स चिपकते ही नहीं। हाँ, राइट। मंकी, क्या हो गया? आज तो सवाल पे सवाल, वो भी एकदम भयंकर। यार मेरे लिप तो स्टिक हो चुके हैं, जबकि मैंने लिपस्टिक लगाना कितने साल पहले छोड़ दिया था। मम्मा, मुझे लगता है कि एसन अंकल को मेरे जोक्स मेरे क्वेश्चन से ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। तो एसन अंकल, आपके लिए ना जोक और सवाल का टू इन वन धमाल। और अगेन। पूछो। ऐसा क्या है जो कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन उसे जवाब हमेशा मिल जाता है? अरे जो भी है, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप तो बहुत सवाल पूछते हो बेटा जिसके जवाब होते ही नहीं है। सेलफोन। संभाल के। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि सब ठीक है, सब नॉर्मल लग भी रहा है। उस वक्त बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें रीत को एक बार एडमिट कर देना चाहिए। नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में चांस ही क्यों लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं अब मैं ठीक हूँ। आई मीन कि घर पे ही ठीक हूँ, सारा दिन तो आराम किया है ना मम्मी जी। मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना, और वैसे भी जितना आप मेरा ध्यान रखती हैं कोई डॉक्टर कहाँ रख सकता है।
मैं घर पे ही अच्छी हूँ। बेटा मैं तो क्या, घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तू ही है। पूरा घर मिलकर तेरा ध्यान रखेगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ युवराज, खास करके तुम, और कुछ दिन के लिए होटल वोटल जाना बंद करो, रीत के पास रहा करो घर पे। अभी से ही घर पे बैठ जाऊं? पर पापा जब बेबी आएगा तब तो मुझे ढेर सारा समय उसके साथ बिताना ही है, और अगर अभी से ही जाना बंद कर दूंगा तो ये सारा काम वाम होटल का ये सब कौन संभाले? मैं मर गया हूं क्या, बचपन से तुम चला रहे हो ये बिजनेस? इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में रीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए युवराज। तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, बड़े कब होगे? कविता जी, अब तुम दोनों साथ में बैठो, मैं तेरी चाय भिजवाती हूँ और तेरे सूप का टाइम हो गया है, मैं सूप लेकर आती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। बैठ, जा बैठ। चलिए इतना मुंह क्यों लटका है? ठीक हूं मैं। एक सेकेंड, ठीक हूं मतलब? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? नाटक कर रही थी मैं। ये लोग आदित्य भाई का रूम क्लीन करवा के कथा और आरव को उसमें शिफ्ट करने की बातें कर रहे थे, तो पापा जी तो उसे फोन करने लगे थे। तुम तो घर पे रहते नहीं हो, और अगर घर पे हो भी, वैसे भी तो समझ में आता नहीं है। उस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आया, डर के मारे मैंने और डरने की एक्टिंग की और ऐसे एक्ट किया जैसे कि पैनिक अटैक आ गया हो। ये प्लान तो काम कर गया, अभी ये लोग सब भूल गए उस बात को। यार रीत, मतलब तूने अपनी 8वें महीने की प्रेगनेंसी में ये सब नाटक किया? पिक कर क्या रही है यार? एक तो तू अपने ये इमेजिनरी फियर में खुद को तो पागल कर ही रही है। अरे कम से कम आने वाले बच्चे के बारे में सोच, उस पे क्या असर पड़ेगा भाई? बेबी का क्या होगा? बेबी बहुत हैप्पी, खुश है वो, कि उसकी माँ उसके फ्यूचर के बारे में अरेंजमेंट तो कर रही है। बस बेबी को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पापा को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ नहीं आता मुझे समझ, ये लोग जो तुझे इतना प्यार करते हैं, तेरी इतनी देखभाल करते हैं, तू उनको डरा रही है क्यों रीत, क्यों? अरे आ जाएंगे आरव और कथा इस घर में, रह लेंगे दो दिन, मैं कहता हूँ 2 महीने भी रह लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा यार उससे? अपने सवालों का खुद ही जवाब दे दिया तुमने। मैंने इन लोगों को इतना तंग क्यों किया? क्योंकि पूरी दुनिया में यही लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी माँ ने भी आज तक इतना ख्याल नहीं रखा मेरा, वो तो सिर्फ लड़कों को सर चढ़ाने पे लगे रहे। पर अब मम्मी जी और पापा जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही कर रहे हैं, सारी अटेंशन आरव को, मेरा क्या होगा? अरे मेरे बच्चे का क्या होगा? युवराज, कथा का अपना घर है ना, तो फिर मेरे घर पे वो नजर क्यों डाल रही है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये तू ना इम्पॉसिबल है। पापा मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा कब होगा, तू मुझे कहती है कि मैं समझूंगा कब, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि पापा मुझे कब समझेंगे और तू सुधरेगी कब? लेकिन आरव ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रिडल गलत है। कथा तुम कुछ कहो ना इसको। अंकल सही है, कैसे? अब एक बार और सोच के देख लीजिए। ओके चलो साथ में सोचते हैं। एक पॉकेट मारने मेरी पॉकेट मारने के लिए मेरी जेब को ब्लेड से काटा, राइट? लेकिन मैंने उसे टाइम पे देख लिया और वो भाग गया। हाँ अब मेरी जेब में 3 चीजें थी, चॉकलेट्स, चाबी और वॉलेट। अब आप कह रहे हो कि अपने साइज के कारण 2 चीजें गिर गई और 2 चीजें बच गई, कौन सी? तो यार अब चाबी और चॉकलेट छोटी होती है तो वो गिर गई, तो बस वॉलेट ही बचा ना, 2 कैसे होगी, ये तो 1 हुई ना। अंकल बचेगी कैसे बताता हूँ, पहले आप ये मान लो कि आप हार गए। ओके बाबा मान गया हार, अब बता दो नीचे क्या देख रहे हो, बताओ ना। एक बड़ा वॉलेट और एक छोटा छेद। कहा था ना अंकल,
ओके आंटी, फिर हम लोग चलते हैं। और मंकी में तो आज किसी क्विज मास्टर के हाथ में आ गए। बहुत प्यारा ये, लेकिन आज इसने अपनी मम्मा को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। मम्मा से एक बार भी बात तक नहीं करने दी। कथा, मैंने ड्राइवर को बुलवा लिया है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तब तक थोड़ा टाइम साथ में और स्पेंड करते हैं ना। एग्जैक्टली, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी। बिल्कुल। नो, इट्स एक्चुअली वेरी लेट और कल सुबह इसका स्कूल भी है, फिर ये उठता नहीं। ओके अंकल, आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया। बाय बाय। बाय आंटी। मुझे भी। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग बेटा। गुड नाइट बैटमैन। तो गाइस, एक काम करते हैं, ये टेबल उधर मूव कर देते हैं। ओके अजीत भाई, आइए ना। यस यस यस, है ना। आई थिंक ये साइड अच्छा रहेगा। लेट्स डू द पिक्चर दैट साइड, है ना। चलो कम ऑन गाइस, आ जाओ। हाँ, यू गो गो अप देयर। जीतू भाई की 25th एनिवर्सरी के पार्टी के पैसे अर्थ कौन दे रहा है? साढ़े बारह साल की खुशी के पैसे तू दे रहा है और 12.5 साल की खुशी के पैसे मैं। क्या हम 50-50 पार्टनर्स हैं, राइट? हाँ। तो एक्सपेंस भी 50-50 होगा ना? यस। जीतू भाई ने हमेशा हम दोनों को गाइड किया, हम दोनों की लाइफ के फादर फिगर थे। हम दोनों का फर्ज बनता है ये करना। श्योर। दिस इज नाइस। या, दिस परफेक्ट। नो, अभी यहाँ पे आके। या, दिस इज, दिस लुक्स नाइस, है ना। हाय कथा। हाँ, थोड़ा सा। हाय, सो वी आर डूइंग अ ग्रुप पिक्चर। अर्थ कौन की 50th एनिवर्सरी है और उसकी लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी तो हम सब है। बिल्कुल, प्लीज कम। थैंक यू। एसन सर, प्लीज। मिस्टर रघुवंशी, प्लीज कम फॉर द ग्रुप पिक्चर। इट्स ओके, इस कंपनी की सक्सेस स्टोरी आप लोग हैं, कैरी ऑन। सारी टीम है, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं और आप और एसन सर तो पार्टनर्स हैं। प्लीज कम। व्यान सर, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। नील, रेडी? नाउ कीप स्टिल एंड स्माइल। रेडी? Okay, everybody, big smile. Okay. Nice, nice, nice. Guys, ek candidate banta hai yaar. Come on, yaar. Big laughter, guys. Come on. Okay, thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. It's all because of you guys. Yeah. Neil, I want to see these pictures. Sure, ma'am. मैंने वैसे भी 10 shots लिए हैं extra safety के लिए. Yeah. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। okay. देखिए, ये तो हो गई हमारे अदकॉन के 50th एनिवर्सरी की बात। अभी मेरी 25th एनिवर्सरी मत भूल जाइएगा आप लोग। आज रात ही को है, आप सबको आना है। हम बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए आप सब टाइम पे आ जाइएगा प्लीज। ठीक है नहीं, लेट इट लोड, तब तक मैं आपको और जगह दिखाती हूँ। आई वॉन्ट यू टू क्लिक। ओके, कम। We'll be right back.
कथा ने देखी तो नहीं वो पिक्चर्स? आपके लिए। थैंक यू आरव। जा जाकर अपनी बहनों के साथ खेल। गो बैठ। अरे तब कैसे हो? तुझे पता है इसे एकदम सही? माँ ये तो नॉर्मल है ना प्रेगनेंसी में। जब मैं योगा सिखाती थी तो इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज आती थी। रीत अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो ना, मैं तुम्हें कोई लाइट योगा एक्सरसाइजेस बता दूंगी, तुम्हारा बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। अरे पहले पता होता ना तो कथा को ही बुला लेते, लेकिन पता है अब इसकी इंस्ट्रक्टर आ रही है प्रीनेटल की योगा क्लासेस के लिए। कोई बात नहीं माँ, मैं तो अवेलेबल हूँ ही, जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तो बस मुझे कॉल कर लेना। पर तुम तो रोज ऑफिस जाती हो ना, तो रोज कैसे आ पाऊंगी? पर थैंक्स, थैंक यू फॉर ऑफरिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है रीत, मैं टाइम मैनेज कर लूंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। आरव, दादी ने कहा था कि तुमने कराटे क्लासेस ज्वाइन करी है, क्या सीखा? अरे हाँ ये देख, हॉर्स डांस पंच। भैया आपकी मम्मा रोज सेम कपड़े क्यों पहनती है? आडना बिहेव, ऐसे कौन बोलता है? आरव तो उसकी बात का ज्यादा ध्यान मत दे। Grand celebration of 25th anniversary of Jitu Patel and Meenu Patel at 8 p.m. Party theme, Indian traditional groom and bridal wear. क्या ये fancy dress? Office में party है ना? चलो phone में से बाहर निकलो, ready हो और जाओ। चलो get ready। मैं नहीं जा रही हूँ नीचे जी। You know वही same लोग, वही बातें, ऊपर से loud music। Loud music? ऑफिस कलीग्स के साथ डिस्को नहीं जाना है, सीनियर की एनिवर्सरी है, वो भी ऐसे सीनियर जिन्होंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम्हें गाइड करते हैं। हाँ जीतू भाई, यस बहुत अच्छे हैं वो समझ जाएंगे। मैं ना उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊंगी, कुछ स्पेशल। पहले स्पेशल दोस्त के स्पेशल ओकेशन पे ना जाओ, फिर उन्हें गिफ्ट की रिश्वत दे के उनका मुंह बंद करा दो, ताकि वो कभी कंप्लेन ना करे। इतनी जालिम तो तुम हो नहीं। चलो बताओ क्यों नहीं जा रही हूं, सच बोलना। पार्टी थीम, ड्रेस कोड है वहां पे, इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइड और ग्रूम वेयर। हाँ मतलब तुमने बिना शादी के ही। तो फिर शादी की ड्रेस होगी ना? नहीं है ना। तो क्या जीन्स टी शर्ट में शादी की थी? व्हाइट गाउन में। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी आराम से बताऊंगी। मैं वेट करूंगी उसका, लेकिन अभी तुम तैयार हो और निकलो, चलो जाओ पार्टी में, उठो। कैसा नीरजा जी, सुनिए अगर मैं कुछ भी पहन के जाऊंगी ना तो मैं ऑड वन आउट लगूंगी, और उस ऑफिस में ना मुझे बिल्कुल भी स्पॉटलाइट नहीं चाहिए। और ऑनेस्टली अगर ये फैंसी ड्रेस मैंने खरीदने का सोचा भी ना तो मेरा मंथली बजट तो बस गया। तो आप इसलिए पार्टी में नहीं जा रही हो मम्मा? मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, और जब दुबई गई थी तब भी बोला था। मंकी यार मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए और पार्टीज भी नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे पता क्या चाहिए? अपने मंकी के हाथ की चंपी। मम्मा टॉपिक मत चेंज करो, मैं जिस भी पार्टी में गया हूँ ना नए कपड़े पहन के गया हूँ, लेकिन अभी आपके पास नए कपड़े नहीं है इसलिए आप पार्टी में नहीं जा रही। देखो मंकी ऐसी बात नहीं, पता है हमें पैसे वहां पे खर्च करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, और नए कपड़े खरीद के मुझे खुशी नहीं मिलती है। आपके पास पैसे नहीं है ना नए कपड़े खरीदने के लिए? तो एक काम करते हैं, मैं जो क्रिकेट कोचिंग है उसको बंद कर देते हैं, और उन पैसों से हम आपके लिए न्यू ड्रेस खरीदेंगे। इधर आओ।
आगे से ना कभी ऐसी बात भी मत करना, क्रिकेट कोचिंग बंद कर देंगे। वो सिर्फ आपका सपना नहीं है, मम्मा का भी सपना है। आपको पता है जब माँ बाप के सपने पूरे नहीं होते हैं, तो वो बच्चों के सपनों को अपना सपना बना लेते हैं। तो कोहली आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बनना है, मम्मा के लिए भी बनना है। ओके आप जिद्दी तो मैं पौना जिद्दी, सवा पौना, क्या ज्यादा है। अरे बाप रे, मैं इतना रह चू, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। पहले पता होता तो मम्मी को पूरी दुनिया ही गिरा देता। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। कथा कब तक आओगी जीतू भाई की पार्टी में? सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ काम आ गया। तेजी आंटी का कॉल इस समय? जी आंटी। अरे व्यान, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, पार्टी के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। कोई और होता तो मैं नहीं बोलती, जीतू भाई को इतने सालों से जानते हैं हम। हाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं है, और आपको पता है मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने स्पॉन्सर किया है इस पार्टी को, तू ही नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा। अच्छा बाकी सबकी छोड़, तू पहुंचेगा तो जीतू भाई को बहुत खुशी मिलेगी। पर माँ मैं अब तक रेडी नहीं हुआ। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है, इसलिए मैंने एसन को पहले से ही फोन कर दिया था। अब यही तुझे कन्विंस कर सकता है। जी आंटी, चलना यार। सुन तू जाए मैं जाऊँ, एक ही बात है। I don't know. अरे एक ही बात नहीं है, जीतू भाई ने कहा था ना हम दोनों का वेट करेंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ। व्यान मत करना ड्रामे, प्लीज चल लेना यार। कथा भी नहीं आ रही है। Only because you are saying so. Okay, जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है। तू बस जल्दी से रेडी हो जा भाई, ऑलरेडी लेट है। हाँ एक नंबर का ड्रामा क्वीन है आपका बेटा। हो रहा है रेडी अब। मुझे पता था तू आएगा तब ये हिलेगा। अजीब सा बिहेवियर हो गया है इसका आजकल, कभी कभी इतना खुश हो जाता है, फिर कभी कभी कमरे में बंद कर लेता है खुद को, निकलता ही नहीं, उदास उदास बैठा रहता है। इसन, तूने पता किया? क्या आंटी? किसी लड़की के साथ कुछ है क्या इसका, कोई पसंद है इसे? नहीं आंटी कुछ कुछ बताता ही नहीं है, आपको तो पता ही है बचपन से इसे सरप्राइजेस देने की आदत है। सो तो तू पूछना उससे, आई एम श्योर अगर किसी को कुछ बताएगा तो वो तुझे बताएगा। अगर कोई लड़की है तो मैं मिल लूंगी उससे, आई डोंट माइंड। जब भी किसी लड़की से मिलवाने की कोशिश करती हूँ ये भाग जाता है। मुझे तो शक है कोई इसे पसंद है। नहीं आंटी मुझसे भी आजकल कम ही बात करता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ पता लगाने की। प्लीज। जी। जूली मसाला डाल दिया? बैटमैन, रॉबिन आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? फिर से चिक-चिक अंकल को सबक सिखाना है? नहीं नहीं, मुझे आपकी बिग हेल्प चाहिए। ओके, बताइए। मेरी मम्मा है ना,
मुझे उनके लिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, लेकिन वो सरप्राइज है ना, तो उन्हें बता नहीं सकता। वैसे पैसे की चिंता नहीं है, मैं बहुत रिच हूँ ना, मैंने अपनी गुल्लक तोड़ ली है, कुल मिला के 2300 और कुछ एक्स्ट्रा चिल्ड्रन है। इतने सारे रुपए, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर लेता हूँ और फिर ले लेते एक अच्छी सी ड्रेस। अरे नहीं नहीं, बैटमैन की मम्मा के लिए है ना ये सब, तो रॉबिन क्यों पे करेगा। राइट, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि बेस्ट ड्रेस कहाँ मिलेगी, और गुड से मैं काम नहीं चला सकता। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। आपके पास कोई है जो आपको शॉपिंग पे ले जा सके? हाँ है ना। ग्रेट, तो मेरे पास एक प्लान है। अब इतनी जल्दी बेस्ट ड्रेस बन तो नहीं सकती, तो आप अपने 2300 रुपए एंड एक्स्ट्रा चिल्लर लेके एक बेस्ट ड्रेस रेंट कर लो। व्हाट डू यू से, चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा। ग्रेट, तो मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। और सुनो, बैटमैन जब आप उसके पास जाओगे तो कहना रॉबिन ने भेजा है। कूल कूल, यू आर द बेस्ट रॉबिन। थैंक यू, बाय। ये चिंग्स ड्रैगन फायर चटनी इज जस्ट टू गुड, स्पाइसी एंड यम। ये देखो, बैटमैन को ड्रेस के लिए रॉबिन को परेशान करना पड़ रहा है। क्योंकि आप तो मेरी हेल्प कर नहीं रही, अपने चटकारे लेने में बिजी हो। व्हाट इज दिस डोडो यार, क्या है? शांति से पकोड़े भी नहीं खाने देगा क्या? डिनर में खा लेना पूरी की पूरी ये चिंग्स ड्रैगन फायर चटनी बॉटल डाल के। अभी फिलहाल है ना, हमें मम्मी की न्यू ड्रेस खरीदनी है। As usual, ये मैं पार्टनर में खड़ा हूँ। और मम्मी को मत बताना प्लीज, सीक्रेट है। चलो अभी उठो, चलो चलो। ये चिंग्स ड्रैगन फायर चटनी खा के और ड्रैगन के जैसे मुंह से आग निकल रही है, बहुत दिखाया है। चलो हो गया, अभी निकलते। हे निखिल, व्हाट्स अप ब्रदर, एक हेल्प चाहिए थी। बोल रहा मियां, तीन नए टक्सीडो रेडी है, भेज दो इफ यू लाइक एनी। नहीं नहीं, एक्चुअली दिस टाइम एक इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट चाहिए फॉर अ फ्रेंड, दिस इज फॉर अ लेडी बाय द वे। ओह, समवन स्पेशल। एक बच्चा है और उसे अपनी मॉम को सरप्राइज करना है। वाओ यार, दैट्स कॉल्ड अ सुपर स्पेशल। अच्छा लिसन, नाउ दिस इज गोइंग टू साउंड अ लिटिल वियर्ड एंड थोड़ा क्यूट भी लगेगा, पर बच्चे का नाम है बैटमैन एंड कोड वर्ड है रॉबिन ने भेजा है। वाओ यार, मेरी वियान रघुवंशी से ही बात हो रही है ना। आई डोंट नो व्हाट टू से यार, दिस किड ही इज जस्ट सो क्यूट, एक स्पेशल बॉन्ड बन गया उसके साथ। ओके, ही इज गोइंग टू बी कमिंग विद हिज गार्डियन एंड एक रिक्वेस्ट है, वो आपको 2300 रुपए देगा एज रेंट, बाकी का मैं दे दूंगा ऑफ कोर्स, बट जस्ट टेक इट फ्रॉम हिम ना प्लीज। कम ऑन यार वियान, आपके फैमिली के लिए कब से डिजाइन कर रहा हूं मैं, इतना तो कर ही सकता हूं ना। डोंट वरी। वैसे एक बात पूछूं, ये बच्चा कब से आपका इतना खास दोस्त हो गया है? बस समझ लो सुख दुख के साथ ही, एक दूसरे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में हेल्प करते, बैटमैन एंड रॉबिन। जानलेवा सिचुएशन है, जैसे एक इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट ढूंढने में। या एग्जैक्टली। ऑलराइट, आई बी सीइंग यू सून, थैंक यू। बैटमैन, कहाँ से आया ये? हम लाए। हम लाए मतलब पैसे कहाँ से आए? इसके पहले कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, मैं बता दूं कि ये खरीदार नहीं है, रेंट किया है। अरे अगर रेंट भी किया तो रेंट के पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। किसी ने अपने गुल्लक फोड़ के निकाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की ना एक बड़ी मशहूर कहानी है, ईदगाह। उसमें 4 साल का हामिद ईदी में मिले 3 पैसे अपने ऊपर नहीं खर्च करता, वो मेले में जाता है और अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है।
ताकि दादी के हाथ ना जले रोटी बनाते वक्त। दादी जब देखती है तो बहुत नाराज होती, बड़ा गुस्सा करती, उसको धुतकारती भी है, लेकिन शांत होने पे फिर पछताती भी है और गले लगा के रोती भी है। क्या डूडो, कौन आवेद, कौन है मीना? ये ड्रेस की बात करो ना, मम्मा जल्दी से ये ड्रेस पहन के आओ ना प्लीज। मंकी मेरा भी मन कर रहा है मैं भी अमीना दादी की तरह ना एक लगाई दूं, लेकिन फिर मैं ही रो के सॉरी बोलूंगी, थैंक यू बोलूंगी। मंकी ये पैसे तुम्हारे थे ना, अपने पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं, चल इसको रिटर्न करके आएंगे। ओके करोगे कि नहीं करोगे? सर मैं 100% करूंगा सर, 10 साल से आप मेरे को जानते हो सर। हाय हाय गाइस हेलो। अरे आज वियान सर पकड़ में आए, जिसको जो मांगना है ना फटाक से मांग दो। क्यों, ऑफिस में मेरे कैबिन के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा है? नो एंट्री। वियान सर लेकिन एक सजेशन था। हाँ हाँ बताओ सर। अगर ऑफिस के लिए एक एक्स्ट्रा कॉफी मशीन मुझे। एक्चुअली ना निखिल मेरा असली कॉम्पिटिटर है कॉफी पीने में, इतना मीटिंग्स में नहीं मिलता जितना मुझे कॉफी मशीन के पास मिलता है। और खड़े खड़े जब मुझे ये देखता ना वहाँ, तो मुझे डर दिखता है इसकी आंखों में कि भाई ये आदमी अगर सारी कॉफी पी गया तो डिजाइंस कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे काम करूंगा मैं, कैसे चलूंगा। हाँ और रोहन बाद में तुम आइए सर, घर बुक कर रहे? हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, दुबई प्रोजेक्ट खत्म होते ही सबको सबको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद बुक कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपकी कॉफी मशीन भी ले लेना आप। कथा आ गई। से वापस करते हैं। मम्मा व्हाट? मम्मा रुको। क्या? मम्मा मेरे सारे कपड़े, स्कूल बुक्स, टॉयज, क्रिकेट कोचिंग और मेरा कैंसर ट्रीटमेंट सब आपके पैसे थे, मुझ पे खर्च किया आपने। आप ही तो कहती हो कि हम दोनों में क्या मेरा तेरा। मम्मा प्लीज मेरी खुशी के लिए एक बार ड्रेस पहन के आओ ना। मम्मा प्लीज मुझे आपको इस ड्रेस में देखना है, मैं तो आपकी शादी में भी नहीं आया था ना। ओके, ओनली फॉर माय मंकी, मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी। ये मम्मी ड्रेस ट्राई करेगी, मम्मी ड्रेस ट्राई करेगी। हेलो, कंग्रेचुलेशंस, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू। अब तक तो हम दोनों अच्छे लग रहे थे, पर अब तुम्हारे आने से पूरी पार्टी अच्छी लग रही है। अच्छा तो तुम कथा हो? जी। अरे भाई बहुत नाम सुना है तुम्हारा, लेकिन मिलने का मौका फाइनली आज मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पार्टी में आने के लिए। अरे कैसे नहीं आती, आप दोनों के लिए इतनी स्पेशल है 25th एनिवर्सरी। वाओ सच में मुझे तो पता ही नहीं चला कि 25 साल कैसे बीत गए। पर मुझे बहुत पता चला। अच्छा जीतू भाई इज वेरी फनी, मैं सबसे मिल के आती हूं। थैंक यू। हेलो, हाय हाय हाय। कथा तुम आने में इतना लेट कैसे हो गई? अरे कितनी प्यारी लग रही हो, तैयार होने में वक्त लगा होगा ना। मंकी ने मेरे लिए ड्रेस ली। कथा यार हम भी हैं यहाँ पे। आई एम जस्ट कम। हाय हाय, यू लुक सो अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू। कथा तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू रोहन, यू गाइस आर लुकिंग सो गुड। थैंक यू। हेलो। Hi. Jenny. Just one second, excuse me. डोडो यार। हम्म? मम्मा वहाँ पार्टी कर रही हैं और हम यहाँ होमवर्क।
तो मत करो, एक दिन टीचर को इम्प्रेस नहीं करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, छोड़ दो। वेरी इरेस्पॉन्सिबल डोडो। यार आपको बोलना चाहिए बच्चे को कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन आप तो बोल रहे हो बड़ा ऐश कर ऐश। तो तू चाहता क्या है, होमवर्क करना है कि नहीं करना? नहीं करना है लेकिन करना है। यार डोडो मेरी और मम्मा की दोनों की इज्जत का सवाल है यार, और मम्मा ने ऊपर से प्रिंसिपल मैम को प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मैं सारे सब्जेक्ट में टॉप करूंगा। तो बेटा जब पढ़ना ही है तो खुशी खुशी पढ़ो। वैसे पढ़ क्या रहे हो? हिंदी। बहुत अच्छी पोएट्री है लेकिन पूरे क्लास के सामने सुनानी है, वो भी पांच पांच पैराग्राफ। गुड। लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्ट करके रखी है मैंने। कैसे चूज किया, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके चूज किया? मम्मा को याद करके। मम्मा को याद करके कैसे? सुनो, इसमें एक नन्ही चिड़िया है जो मैं हूँ, और आगे का आप खुद सुन लो। नन्ही चिड़िया उड़ती है, खुले आसमां फिरती है, नील गगन में मस्त पवन में मर्जी की वो करती है। बास को ये सब रास न आया, चिड़िया को फिर खूब सताया, ललकार लगा कर बोली चिड़िया, बास तो होगा अपने घर का, एक क्षण को तो बास भी दुबका, ऐसा कैसा रौब दिखाती है, बित्ते भर की नन्ही चिड़िया किसकी धौस जमाती है, नन्ही बोली नभ का ज्ञान, अम्बा से हुआ ना कोई महान, माँ की ममता जो ललकारे है, जान गवा कर मिले प्रमाण, जिसने जन्म दिया है मुझको उससे क्या तू लड़ पाएगा, प्राण पखेरु हो जाएंगे बाद बहुत पछताएगा। कैसा सुनाया डोडो? डोडो डोडो, वो नन्ही चिड़िया की माँ आ जाएगी पोएट्री के डीएंड में, और फिर ऐसे टिशुम 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 करके ना उसको पचा लेगी, और वो बाज है ना उसको तो ऐसे था यही भगा देगी। मैं रो नहीं रही हूँ, प्यास काट रही थी, नन्ही चिड़िया के लिए पकौड़े जो बनाने हैं। डोडो आप प्याज ने खीरा काट रही थी। डोडो पोएट्री सुन के आपको अपने बच्चों की याद आ गई ना, वो भी आपको बहुत याद करते होंगे ना, आप मुझे मिलवाओ ना उनसे प्लीज, अभी तो बोलती हूँ वो कितने अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। बहुत बहुत प्यार करते हैं। और तू भी तो बहुत ट्रेन हो गया है ना, फट से डोडो को पकड़ लिया। देख किसी को बताना मत कि डोडो रो रही थी, अपना सीक्रेट है। डोडो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। डोडो अब अपने बेटों को यहाँ बुला लो ना, बहुत बिजी है वो लोग, वैसे उनकी याद नहीं आती, क्योंकि तू है ना यहाँ मेरे पास, मुझे इतना प्यार करने वाला, और इतना प्यारा तो मेरा कोई बेटा नहीं है। स्टार्टर ट्राई किया? हाँ, नो नो नॉट येट। हेलो हेलो, वैसे मुझे पता था कि मेरी याद तुम्हें यहाँ खींच ही लाएगी, भला मुझसे कोई दूर रहे भी तो कैसे हा? लेकिन पहले बता देते कि तुम यहाँ आ रही हो, थोड़ा कलर कोऑर्डिनेट कर लेते यार। यार मैं थोड़ा तैयार शहर होके आ जाता। क्या हुआ यार कथा, डोंट टेल मी यार बचपन में तुम्हारी डिक्शनरी में से एक बार चोरी हो गया था क्या? क्या क्या चोरी हो गया था? जे ओ की जोक। कम ऑन यार कथा, जोक कर रहा था। वो क्या कहते हैं तुम्हारे शहर में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो मोहतरमा जी मुस्कुराइए ना आप एहसन के साथ हैं। खैर ये सब छोड़ो, मेरे किसी बेटे जोक चलते रहेंगे, तुम ये बताओ क्या पियोगी? वही जूस। जूस? हाँ व्यान सर,
आप भी आइए ना। अरे आना भाई। और बता क्या पिएगा? वेट लेट मी गेस, सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स? कुछ नहीं, आई एम गुड थैंक्स। अरे भाई गुड तो मैं भी हूँ, लेकिन तुझे हुआ क्या आज? हमारे ग्रुप का टैंकर ऐसे खाली कैसे रह सकता है? पता क्या था, बचपन से ना इसका बस एक ही मोटो है बिजनेस के अलावा, कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बॉटल तुम पियो, एक बॉटल हम पिए। कुछ भी बोले जा रहा है, तू क्या कर रहा है? ये बकवास मैसेज आप फॉरवर्ड करना बंद कर दे। I'll be back in a second. अरे Viaan, just a second. अरे Viaan सर को अचानक से क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो इतने एनर्जेटिक थे, सबसे बातें कर रहे थे, अब एकदम से साइलेंट मोड ऑन। तो जाके सीधा Viaan सर से पूछ लेना, ये डेयर है, अगर पूछ लिया ना तो 2,000 रुपए दूंगा। तेरे 2,000 के चक्कर में मैं अपने पेट पे लात नहीं मारूंगा, पार्टी एंजॉय करना यार। I'm so sorry. Please, आप खाइए। नहीं नहीं नहीं, आप ले लीजिए। I'll take something else. नहीं नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं है और अब थोड़ी देर में ही मैं मेन कोर्स खा लूँगा, so please, here. Thank you. Sir, खाना कब मजेदार है? आपको बताता हूँ, इसके आगे के ना सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी कैटर को देंगे। ठीक है यार, पर खाना है कहाँ? मुझे भूख से जान जा रही थी। मना किया था ना तुझे कि अभी नहीं खाना, उस तरह जा रहे हो, मुझे बाद में मेन कोर्स खाना यार। बस लेके जाओ, लेके जाओ, बेटर लेके जाओ, लेके जाओ। कम ऑन गाइस, एवरीवन, जीतू भाई, लेट्स कट द केक, कम ऑन, कम ऑन। हैप्पी एनिवर्सरी जीतू भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। मन माइक देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप सबका शुक्रिया कैसे करूं। हजारों कंपनीज हैं इस देश में, लेकिन ऐसी एक ही कंपनी है जिसमें तनख्वाह के साथ साथ रिश्ते भी मिलते हैं। जितना पुराना मेरा मेरी मीनू के साथ नाता है ना, उतना ही पुराना मेरा अदकौन के साथ नाता है। मैं अपनी जिंदगी इन दोनों में से किसी के बिना भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने इस खूबसूरत सफर में हमारा साथ निभाया। लेकिन कलीग्स, द फैक्ट इज दैट कि ये सब मुमकिन ही नहीं हो पाता अगर अगर 25 साल पहले आप दोनों ने शादी नहीं की होती तो। क्यों भाई लोगों ना। तो जीतू भाई हमें क्रेडिट देना बंद कीजिए और सेलिब्रेट करिए ना, सही बोल रहे हो कि नहीं? बनता भी नहीं बनता। That is true. जीतू भाई आपने अदकौन को फैमिली कहा ना,
तो फैमिली का भी फर्ज बनता है ना खुशियों में आपका साथ देना. बस वही तो कर रहे हैं हम लोग. मीनू आंटी क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल सही कहा. इन 25 सालों में बहुत सा वक्त देखा है हम दोनों ने साथ में. बस सिर्फ एक बात की कसक रह गई कि हमारी कोई औलाद नहीं है. कोई हमें माँ पापा कहने वाला नहीं है. लेकिन भले ही मैंने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया, आज मेरे दो दो बेटे हैं. और अभी अभी आप सबने मेरे छोटे बेटे को सुना, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा कुछ कहे हम सबके लिए. नहीं नहीं नो 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 अब जिस तरह आपने हमें बेटा कहा है उसके बाद बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह जाता. लेकिन जीतू भाई, आप अर्थक्रॉन के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं बल्कि हम सब के लिए कमिटमेंट और लॉयल्टी की मिसाल भी हैं. जब भी हम मुश्किल में थे तो आप थे, आपने हमें रास्ता दिखाया. सिर्फ मेरे और एहसिन के लिए नहीं बल्कि इस पूरी कंपनी के लिए आप गार्डियन बन के खड़े रहे. तो जीतू भाई, मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, ठीक उसी तरह अर्थकॉन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा. बिल्कुल. एंड आई जस्ट हैव टू से 25 years together. Wow, that is incredible. जिस मोहब्बत में इतनी शिद्दत हो ना, उस मोहब्बत को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है. बिल्कुल बनता है. और हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाए. बिजनेस, कंपनी, काम, ये सब हम सीखते रहते हैं. लेकिन जो नहीं सीख पाते वो आप दोनों की तरह प्यार करना है. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. सो गाइस, मेरा मानना है कि हमारी जनरेशन बहुत कुछ सीख सकती है आप दोनों से, स्पेशली प्यार कैसे करते हैं. अरे बस कर भाई बस कर. अरे अरे व्यान, तू ही हक करता रह जाएगा. तू जिसका लव सेलिब्रेट करना है वो क्या करेंगे? ठीक है, सही कह रहे, क्योंकि आज के दिन मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा. तो जीतू भाई, मीनू आंटी, आप दोनों का डांस तो आज बनता ही है. अरे जब तक कभी डांस ही नहीं किया तो सबके सामने डांस कैसे करेंगे? अरे जीतू भाई, बचपन से लेकर आज तक हमें हर चीज में सपोर्ट करते आए हो, अब प्यार के सामने घुटने कैसे टेक सकते हो? थैंक यू सो मच. आज ना रॉबिन की वजह से बैटमैन अपनी 8 इयर्स की लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना खुश हो रहा है. वाओ, 8 इयर्स! और इसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मम्मा को ड्रेस देके मिली? एग्जैक्टली. एक्चुअली ना मेरी मम्मा वर्ल्ड की प्रीटीएस्ट लेडी है, वो तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. नहीं तो एनीवेज, मेरी मम्मा ना कभी खुद पे ध्यान नहीं देती, और मैं तो उनकी शादी में भी नहीं था ना, इसलिए मुझे ना उनको देखना था ऐसे प्रिटी प्रिटी. थैंक यू. लेकिन रॉबिन ने कुछ नहीं किया क्योंकि बैटमैन ने गुल्लक तोड़ा और बैटमैन ने ही शॉपिंग की. हाँ, जैसे कॉमिक्स में बैटमैन रॉबिन को गाइड करता है, वैसे ही रॉबिन ने बैटमैन को गाइड किया ना. अभी जल्दी बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरी? हाँ, मम्मा कहती है किसी से भी उधार नहीं रखना चाहिए, हेल्प का भी. और वैसे भी आप तो अभी ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे कि वेरी वेरी परेशान हूँ. रॉबिन को ना एक्चुअली पार्टीज पसंद नहीं है, और मैं एक पार्टी में फंस गया हूँ इसलिए परेशान हूँ.
ये बड़े लोग भी ना। मेरी मम्मी को भी पार्टी शार्टी नहीं पसंद, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। अब सुनो, जाके केक खाओ। अच्छी सोल्यूशन है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ना केक खाने से सॉल्व नहीं होगी। डील ये ना कि यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ब्रेन फ्रीज हो गया है। तो जब दिमाग ना चले ना तो दिल की सुना करो बेटा। बेटा? अरे मम्मी कहती है मुझे ऐसा। ओ। पॉइंट ये है कि ज्यादा मत सोचो। केक खाने का मन करे तो केक खा लो, पार्टी में भागने दौड़ने का मन करे तो भाग दौड़ लो, और डांस फ्लोर में डांस करने का मन करे तो आग लगा दो यार, पूरा डांस फ्लोर हिला दो। गो रॉबिन गो, यू कैन डू इट, एंजॉय द पार्टी। थैंक यू बैटमैन, बाय। व्यान सर, आपकी फेवरेट सिंगल मॉल्ट विस्की। जीतू भाई, अलग से ही इंतजाम करने की आपको क्या जरूरत है? सर आपने मुझे आज एक इतनी अच्छी मेमोरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, प्लीज। थैंक यू, गले लगा के भी बोला जा सकता है, शराब की जरूरत नहीं। आइए इधर आइए। थैंक यू। ये नहीं, थैंक यू, आप जाइए ना। सर थैंक यू सर, प्लीज आप डांस कीजिए ना। सर कैसे मजा आएगा, आई हैव टू। सर थोड़ा सा प्लीज, सर प्लीज एक डांस हो जाए। सर हमें याद है, वो मलेशिया वाले प्रोजेक्ट पे आपने डांस फ्लोर पे आग लगा दी थी। सब लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हर कोई डांस करने में थोड़ी कंफर्टेबल होता है। तुमने भी तो कहा था तुम्हें डांस नहीं आता, इतना अच्छा तो डांस किया। अरे यार मुझे से वो चलना कूदना आता है, वो तो एसन सर ने करवा लिया। मजा तो मुझे आता है लोगों को पागलों की तरह नाचते हुए देखने में। क्या हुआ? क्या बताऊं क्या हुआ यार, हजम नहीं होती फिर भी दबा के पीता है, लेकिन इसके बचपन का दोस्त हूं तो संभालूंगा तो मैं ही। कथा तुम मेरी हेल्प करोगे इसे घर ड्रॉप करने में? ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, तुम अपनी पार्टी को खराब करोगी। इट्स ओके, यू कैरी ऑन, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। नो प्रॉब्लम, मैं निकलने ही वाली थी, वी विल ड्रॉप हिम। यू श्योर? या या। ठीक है फिर उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे पर आप कैसे गाड़ी चलाएंगे, आपने भी तो पी हुई है। एक बूंद भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? I know ये चीता हमेशा पीता, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं ही सोबर। चले? जीतू भाई थैंक्स, व्यान आ जा, चलते हैं चलते। I'm driving. हाँ हाँ हाँ, okay okay fine. क्या करके व्यान मैं आ जा आराम से। देख ले व्यान, तेरे चक्कर में कथा लेट हो गई घर जाने में। भाई इतना पीता क्यों है जब खुद को संभाल नहीं सकता तुम? I'm really sorry कथा। चल भाई घर आ गए। व्यान कथा तुम दो मिनट का ख्याल रखना, मैं किसको लेके आता हूँ अंदर से हेल्प के लिए। कथा क्यों
मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? सर ब्लैक कॉफी लाऊं? यस देव, थैंक यू। देव, मुझे घर किसने छोड़ा कल? कोई नहीं सर, मैं और एहसान सर ही थे, हमने ही आपको रूम तक ड्रॉप किया था। ओके। और एक मैडम भी थी सर, पर वो ऊपर नहीं आई, बस कार में ही बैठी रही। कौन सी मैडम? पता नहीं सर, मैंने तो उनको पहली बार देखा था। लाइट ब्लू और पिंक कलर का सूट पहना था उन्होंने। कहा उन्होंने? नहीं सर, कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वो तो बस गाड़ी में ही बैठी रही। ओके, थैंक यू। हेलो, जस्ट वन सेकंड, एक्सक्यूज मी। मुझे वैसे भी भूख नहीं है और अब थोड़ी देर में ही मैं मेन कुछ खाऊंगा, सो प्लीज। क्या था? सॉरी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्यों भाई, कैसी थी पार्टी? ठीक थी। मैं और आरव तुम्हारी राह देखते रह गए और तुम कह रहे हो पार्टी ठीक थी? यार तुम इतनी सुंदर लग रही थी और तुम कह रहे हो कि पार्टी ठीक ठाक गुजरी, तो यार ये तो दुख की बात है। कुछ हुआ है ना, बताओ मुझे। होगा क्या? मुझे क्या पता, चिपचिक अंकल ने परेशान किया? आपको लगता है मुझे परेशान करना इतना आसान है? करके दिखाऊं? चैलेंज कर रही हो? आपका तो लेवल ही अलग है। अरे बाबा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी सुंदर दिखने वाली स्त्रियों को अनचाही अटेंशन मिल जाती है। वैसे भी चिकचिक अंकल आप पे, अरे इसीलिए आरव भी ऐसे बोलता है नीजा जी। एहसन सर और वो मुझे परेशान नहीं करते, मेरे बॉस हैं और मेरे दोस्त भी हैं। समझ गई,
क्या समझ गई? मामला गंभीर है। उस गंभीर इंसान ने कुछ किया है क्या? वियान रघुवंशी, उसने कुछ किया है ना? आप अलग ही नीरजा जी सीआईडी बन के बैठी हैं। सीएमडी, क्राइम मास्टर डोडो। बेटा मैं आई हूं तो गॉसिप लेके ही जाऊंगी, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता है। हमारी तहकीकात कभी खाली नहीं जाती। बताओ चल। तो एक काम करिए, अपने सीएमडी के सूत्रों को इस्तेमाल करिए और पता लगाइए कि आरव अब तक अपनी कराटे क्लास से क्यों नहीं आया। अब वो किस लिए नहीं आया? नीरजा जी मैं भी लेट हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। जैसे ही आरव आएगा प्लीज मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा। हाँ बाय। मंटे की पोजीशन। अनकह गुड जॉब आरव, गुड जॉब, तुमने बहुत जल्दी पकड़ लिया। योर फॉर्म वॉज करेक्ट एंड द कनेक्शन विद द प्लैंक वॉज गुड। Next, Yay! Your turn, number three. Thank you, Sensei. मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? नहीं, पहले बाकी बच्चों का हो जाए उसके बाद। आज के लिए आ रहा हूँ तो बहुत छाने लगा है। हाँ, मैंने भी पहली बार में प्लैंक तोड़ दिया था। लेकिन सेंसेई सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं। बहुत हीरो बनता है ना ये? हाँ, क्लास में भी बहुत हीरो बनता है। रेनू मैम को इम्प्रेस करता रहता है। तेरी क्लास में है ये? हाँ, और मेरी ही वैन में जाता है। कल बताता हूँ इसको, एक सेकंड में सारी हीरोपंती निकाल दूंगा। तू चलना मेरे साथ। आज भी रोबन नहीं आया। सोचे थे ऑफिस का फर्नीचर बदलेंगे हम लोग। क्या कल रात आप आई थी एसएन के साथ ना मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो ठीक है, मतलब आप घर ठीक से पहुंची? काफी रात हो गई थी ना, तो आज ऑफिस आई हूं, दैट मींस कल रात ठीक से पहुंच गई थी। मैं आराम से पहुंच गई थी, एसएन सर ने मैनेज कर लिया था। आपको कुछ और भी डिस्कस करना है? I'm really sorry, Katha. मुझे नहीं पता मैंने इतनी शराब कल रात कैसे पी ली। ऑफिस इज रियली सेक्रेट फॉर मी। ऑफिस पार्टीज में मैं लोगों के साथ सिर्फ तब और तब पीता हूँ जब को कंपनी देना हो, और कल तो मैंने पी। राइट, ऑफ कोर्स इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सॉरी अबाउट दैट। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा एक्चुअली ना, कि एक फीलिंग सी ऑकवर्ड सी और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। कल नशे में मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया ना जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? नहीं, आप कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। या वन सेकंड। हाँ आएगा था। गुड मॉर्निंग। हाय। एंड
हेलो टू पार्टी की आन बान एंड शान मिस्टर वियान. अभी सब ठीक है या अभी भी जग घूम में यहाँ हो रहा है? क्या बोल रहा है तू? अरे भाई जब ऐसा सरूर चढ़ा हो खुमार भी तो गजब का होगा ना. एक काम कर तो अपने कैबिन में जा, मैं तेरे लिए शॉर्ट्स भिजवाता हूँ. अरे भाई ब्लैक कॉफी शॉर्ट्स यार हैंगओवर उतारने के लिए, ऐसे लुक्स क्या दे रहा है? कथा तुम बताओ तुम ठीक हो? कल रात नींद आई अच्छे से? यस एसन सर मैं ठीक हूँ. एसन मेरे कैबिन में आएगा, मुझे तुझसे बात करनी है. एसिन, मैंने कल शराब हाथ तक नहीं लगाया था, मेरी हालत ऐसे कैसे हुई? मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? तू बता तेरी हालत ऐसे कैसे हुई? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सिर्फ तेरे हाथ से जूस पिया था बस और कुछ नहीं. एक सेकंड वियान, साफ साफ बोलना कहना क्या चाहता है? कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं तुझसे कि मुझे इतना नशा कैसे हुआ. ओरिजिनल वियान, पता ये सच्चे शराबियों की ना सच्ची पहचान है. पहले बेपरवाह दबा के पियो रात भर और फिर सुबह उठ के सब पे शक करो कि इसने पिलाई होगी उसने पिलाई होगी. तू जो कल रात को सबके सामने डांसिंग सुपरस्टार बन रहा था ना, मुझे लगा थक गया होगा इसलिए जूस लेकर आया था. ओ यान, कल पूरी पार्टी तेरे पीछे पड़ती ड्रिंक्स लेकर, तुझे वो याद नहीं है? ओ आई एम रियली सॉरी भाई को. भाई को कैसे याद होगा, भाई साहब तो नशे की हालत में धुत थे ना. आई कैन बिलीव वियान कि तू मुझ पर शक कर रहा है. तेरा दोस्त हूं मैं. राइट, अगर दोस्त है ना ठीक है, तूने नहीं पिलाया, लेकिन अगर कोई और मुझे पिलाने की कोशिश कर रहा था तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? और सबके सामने क्या कह रहा तू कथा के सामने कि ग्रुप का टैंकर हूं मैं, दुनिया की सारी शराब मैं पीना चाहता हूं. व्हाट आई रिमेंबर एंड आई रिमेंबर रियली वेल इज दैट हर पार्टी में मैं तुझे संभालते आया हूं. और क्या बकवास कर रहा था तू सबके सामने मेरे बारे में? I'm sorry, Vihan. I'm really sorry, यार. Sorry, यार, मुझसे गलती होगी. मैं ना भूल गया था कि पार्टी में लोग हंसी मजाक नहीं करते. भूल गया था कि दोस्त एक दूसरे की टांग नहीं खींचते. तो अगर बचपन की दोस्ती पर सिर्फ एक मजाक के लिए शक कर सकता है ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करनी. तुझे जो सोचना है सोच. कथा वैसी लड़की नहीं है ऐसे. क्या? कथा तेरी उन रात गई बात गई वाली लड़कियों में से नहीं है जिन्हें सुबह होते ही तू पहचानता भी नहीं है. एक माँ है वो, उसने लाइफ में बहुत कुछ सहा है हसन, और अब दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती वो, नथिंग एल्स. पर तुझे लगता है मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे सकता? यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसे फ्लर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि तुझे और उससे लाइफ से जो चाहिए उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अच्छा तो तुझे पता है ना उसे क्या चाहिए? प्लीज बता दे यार. थैंक गॉड. तो प्लीज बता दे भाई, क्योंकि उसे जो भी चाहिए ना उसे पाने के लिए उसे लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं. क्योंकि इस बार मैं सीरियस हूं. तेरे भाई को ना सच्चा वाला प्यार हो गया, और अगर सीरियस ना होता ना तो अपनी मॉम को उससे ना मिलवाता. बचपन से देख रहा हूं तुझे ऐसे, तू हर कीमती चीज से प्यार करता है, फिर किसी दूसरी कीमती चीज से. अरे कम ऑन यार, ट्राई तो करो.
डोंट वरी, मछलियों में फीलिंग्स नहीं होती। आपको मछलियों ने खुद बताया। नो थैंक यू सर, मैं वेजिटेरियन ठीक हूँ। तुम्हें किस प्लांट ने बताया कि उसकी फीलिंग्स नहीं होती? हेलो कथा बेटा। हाय आंटी। अच्छा जो पुराने वीडियोस मैंने तुम्हें भेजे थे वो काम आए? हाँ आंटी, मिस्टर रघुवंशी और मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर दोनों का फुटेज यूज किया है। बहुत ही क्लासिक फील है, एक बार एवी फाइनल हो जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। अच्छा मुझे कुछ और फोटोज मिले हैं, वियान और एसन जब पहली बार अर्थकॉन ऑफिस गए थे तब की, उन्हें भी भेज दूं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सेंड इट टू मी आंटी। आई एम सो एक्साइटेड, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। श्योर। तेजी आंटी का डिवोशन कमेंडेबल है। आई नो, मतलब आंटी को हम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अंकल में आई गेस उन्हीं की वजह से इतना एक्साइटेड है वो। लोग चले जाते हैं और यादें रह जाती हैं। An irony of life is कि लोगों से ज्यादा हमें उनकी यादें इफेक्ट करती हैं। अग्री, जब तक दोनों साथ में थे इतना झगड़ते थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और अब देखो आंटी ने पूरी जिंदगी गुजार दी उनकी यादों के साथ। अपने कंपेनियन के चले जाने के बाद भी उनका हाथ छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। मुझे व्यान की बहुत चिंता है, जब तक अंकल थे उन्होंने कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ा, तो उनके जाने के बाद उसके सबसे पहले कोशिश थी कि उनकी यादों का हाथ छोड़ सके। व्यान, व्यान बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। कि उनका पर्सनल मैटर है? ऑफकोर्स उनका पर्सनल मैटर है कथा, लेकिन वो मेरा दोस्त है इसलिए मेरे लिए भी उतना ही पर्सनल है। अब देखो उसने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच दुबई में क्या हुआ था, और मेरी दोस्त ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सर आप फिर शुरू हो गए, आपको क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ हुआ? जो हुआ है सबके सामने हुआ है। कथा मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी हुआ लेकिन उन यादों का साथ व्यान अब तक छोड़ नहीं पाया है। I can clearly see it's affecting him badly. कथा, come on यार, विहान ने ऐसे हजारों झगड़े किए हैं, लेकिन तुम दोनों जब भी साथ होते हो ना एक रूम में, तो वो स्पार्क छोड़ने लगते हैं। अरे वो हॉलीवुड रोमांस वाले नहीं, झगड़े वाले, टेंशन वाले, गुस्से वाले। कथा विहान रघुवंशी पूरी दुनिया में किसी से नजरें नहीं चुराता, लेकिन तुम्हारे सामने बकायदा नजरें झुका के बात करता है। चलो ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं बताना तुम मत बताओ, लेकिन जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तब तो बता सकते हो ना। आज तक अपनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस करते आई, और उम्मीद है कि आगे भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट थैंक यू। तो भूल गया था कि तुम तो लेजेंड हो। पता है मुझे लगता है कि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वही मुझे तुम्हें दे देनी चाहिए, तुम कर ही लोगे हैंडल। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। रियली? तो फिर एक छोटी सी हेल्प कर दो यार। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी पसंद है? समुंदर आरफ को बहुत पसंद है। Really? मुझे भी। कलर्स करो ना, दिस वन और दिस वन। येलो, आरफ का फेवरेट तो येलो। यहाँ पे भी आरफ की पसंद। ओके डन। हेलो येलो, मिस्टर पिंटो येलो कलर फाइनल है, खरीद लीजिए यॉट। आप सब पेपर वर्क रेडी रखिएगा। थैंक यू। आपने खरीद ली ऐसे ही? अरे यार वो तुम रोज रोज ऑटो में आती हो ना, तो मुझे लगा यॉट में। वो मुंबई की सड़कों में कभी कभी पानी भर जाता है ना, तो मुझे लगा थोड़ी यार। अरे यार कथा वैसे मत देखो यार, मैं बचपन से पालक खा रहा हूँ इसी चक्कर में कि एक दिन बड़े होके पॉपाई का सेलर मैन बनूंगा। दोनों कलर पसंद आए, चूज नहीं कर पा रहा था, तो आपकी हेल्प ले ली मैडम, इनफैक्ट आरफ की हेल्प ले ली। डोंट वरी, मैं उसे खुद आकर थैंक यू बोल दूंगा। खुश? कैन आई ट्राई सम? ओ श्योर, सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गई। कोई बात नहीं, तुमने खुद बनाया? ये देखो मम्मा, ये ट्रेडिशनल ड्रेस ना मैंने लाई है। बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है ताई जी। मम्मा है ना सबसे सुंदर। आरना कियारा, तुमने होमवर्क फिनिश किया? जाओ पहले अपना होमवर्क फिनिश करो। हाँ
अरे बेटा आ गई मम्मा। हेलो मंकी। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, खुश है। प्रीत, ये तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे होते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू। तू भी तो प्रेग्नेंट थी, तुझे भी गोंद के लड्डू देने चाहिए थे हमें। कोई बात नहीं माँ, आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देती हूँ कि आदि ने ना गोंद के लड्डू की सप्लाई में कभी कमी नहीं होने दी। बहुत गोंद के लड्डू खाए मैंने। मंकी, जाओ अपना बैग लेके आओ, ट्यूशन भी जाना है। हाँ मम्मा। मम्मी जी, मैं जरा आती हूँ। आरफ के स्कूल में अगले हफ्ते ना ग्रैंडपेरेंट्स डे है, तो अगर आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के जाएंगे ना, आरफ बहुत खुश होगा। ऑफ कोर्स, हम लोग भी बहुत खुश होंगे जाने के लिए। जाएंगे ना? मिस्टर गरेवाल, आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाते हैं? आप ही तो हमारे बड़े हैं, आपका हक है हम पर, हमें प्यार देने का भी और हमसे नाराज होने का भी, हमें आशीर्वाद देने का कि हम हमेशा खुश रहें और आपके पास रहें। किस हक से तुम्हें आशीर्वाद दूं? मेरे पास मदद मांगने आई तो मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अभी मैं इस डर से सर झुका के बैठा था कि एक दिन कथा आएगी और उसे पूछेगी कि कैलाश गरेवाल कहां थे तुम जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी, कहां थे तुम जब हमारे सर पे हमें बड़ों का हाथ चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। मुस्कुराते हुए हमारी जिंदगी में आई, हमें गले लगाया और हमारी जिंदगी में खुशियां भरती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बड़ी तुम हो या मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल सकूंगा। तो मिस्टर गरेवाल प्लीज, अकेले मत बैठो। दिल का बोझ अपने दर्द के सामने मुझे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दिया। आदित्य के जाने का दर्द जितना मुझे था उतना ही तो आपको भी था। मैं भी तो आपका दर्द बांटने नहीं आई। मैंने आदि को अपने से दूर किया ही क्यों? अगर मुझे उस पर विश्वास था तो उसकी पसंद पर भी विश्वास होना चाहिए था। आदि से और तुमसे तुम्हारा घर छीना कैलाश गरेवाल ने, कविता से उसका बेटा किसने छीना कैलाश गरेवाल ने, आरफ से उसका खानदान किसने छीना कैलाश गरेवाल ने। किस लिए? अपने खोखले अहम के लिए? बहुत बड़ा पाप हो गया। प्लीज, उसी के गिल्ट में जल रहा हूं मैं। पश्चाताप करना चाहता हूं लेकिन
मुझे समझ नहीं आता कि मैं कब से कब इतना चाहता था कि तुम मेरी बात सुन लो कथा। मुझे यही लगता था कि कथा कभी मुझसे बात नहीं करेगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल मैंने आपसे झूठ कहा था जब आपने मुझसे पूछा था कि पार्टी की रात को आपने मुझसे कुछ कहा या नहीं। आपने बहुत कुछ कहा था। पर आपको सच में कुछ याद नहीं है या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भूल जाना जानते हैं? मुझे इतना याद है, मैंने आपको सॉरी बोला था। आपने कहा था कथा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। रॉबिन पक्का किसी परेशानी में होगा, दो दिन से गायब है। अब लगता है बैटमैन को ही पता लगाना पड़ेगा। सो बैटमैन कॉलिंग रॉबिन। जस्ट वन सेकंड। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ ओके ओके ओके। राहुल आर यू मैड? क्या किया तूने? दिख तो रहा है तेरी शर्ट पे क्या किया है। और क्यों? ये मेरी फेवरेट शर्ट है। यूनिफॉर्म और फेवरेट शर्ट? लगता है बेचारे के पास कोई अच्छी शर्ट नहीं है। रेनू मैम के सामने तो बहुत हीरो बनता है, डरपोक कहीं का। अभी करना फाइट, कराटे क्लास में कितने बोर्ड तोड़ता है, क्योंकि बोर्ड पलट के मारते नहीं है ना। अरे पर मैं तुमसे फाइट क्यों करूं? मैंने आपको तुम कहा। तुम आप ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनीवे मैं यहां हूं, आप बताइए क्या बात करनी है। देखिए जो मन में है ना वो बोल दीजिए। बोल देने से कुछ और हो या ना हो, कम से कम मन का गुबार हल्का होता है। यस। कथा। आई कैन आई जस्ट एक काम करिए, पहले आप अपने आप से बात करिए और अपने आप से पूछिए कि आपको मुझसे क्या कहना है, फिर आप मुझे बुलाइएगा, मैं बात करने आ जाऊंगी।
this. Thank you. कथा, तुम्हारी येलो यॉट आ गई. आई मीन मेरी येलो यॉट आ गई. हाँ, मैं तो बस ये बताने आया था कि मिस्टर पिंटो ने कहा है कि समंदर के बीचों बीच से बांद्रा वाली सीलिंग बहुत खूबसूरत दिखता है. तो फिर चले आज? एक्चुअली वो मैं आज आरव को शाम को बाहर लेके जा रही हूँ. ओ, तो मुझे भी तो आरव के साथ ही जाना है. परफेक्ट देन, यू मी आरव. अरे एक काम करो ना, उससे पूछ लो कि उसको मेरे साथ जाना है या हमारे साथ. कथा इतना क्या सोच रही हो? ट्रस्ट मी, आरव को बहुत अच्छा लगेगा. आई एम श्योर आरव को अच्छा तो बहुत लगेगा, बट आर यू श्योर कि आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? हाँ, आई थिंक यू आर राइट. परेशानी तो बहुत होगी यार, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में और मजे करने में बहुत परेशानी होती है, पर मैंने ना मैनेज करना सीख लिया. तो फिर अब जा सकते हैं प्लीज. अरे वैसे भी अपनी यॉट है, जब मन करेगा तब निकल जाएंगे. हाँ, तो फिर आज शाम. मिस्टर पिंटो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? अभी दिखाता हूँ क्या. चलो बच्चों अंदर बैठो. चलो अरे बच्चों क्या हो रहा है पीछे, क्यों हल्ला मचा रहे हो? अंकल कुछ नहीं, कराटे प्रैक्टिस. मिस्टर पिंटू सब बढ़िया? तो ध्यान से सुनिए, आज की राइड मेरे लिए बहुत खास है. हम तीन गेस्ट हैं, मैं, मेरी दोस्त और उसका बेटा. तो प्लीज अरेंजमेंट का अच्छे से ख्याल रखिएगा. डोंट वरी सर, बेस्ट अरेंजमेंट रहेगा. यस प्लीज, आई वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर माय गेस्ट टुडे. कुछ ऐसा जिसे देख के वो बार बार आना चाहे. और मिंटू जी सबसे खास बात, आगे से मैं और मेरी फ्रेंड अकेले आएंगे. आप समझ रहे हैं ना, पूरा रोमांटिक फील होना चाहिए. हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा. यू नो सनसेट का टाइम हो, समंदर के बीचों बीच यॉट में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, समझ गए ना आप? कथा, ऐसा तू फिर वही पागलपंती कर रहा है. पिछले दो सालों में तू एक रेस्टोरेंट और तीन फैंसी कार्स खरीद चुका है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, और कथा को इंप्रेस करने के लिए यॉट. कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी बात पे बिलीव क्यों करोगी? तुम तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं करती. मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी खुद पे ट्रस्ट नहीं करता. मुंह में लड्डू है तो मुंह फुला के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं हुआ. अच्छा कुछ नहीं हुआ तो ये शर्ट पे इतनी सारी इंक कैसे लगी? मैं गिर गया था बस.
मंकी तुम हो या इंक? मतलब गिरे तुम और इंक उछल के तुम पे गिरी, हाँ? ये क्या लॉजिक है? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ। डूडो कहाँ ना? बस गिर गया था और कुछ नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे सुन, अजीब है ये। एक इसकी मम्मी है जो मेरे साथ दादी की तरह बर्ताव करती, और एक ये है जो बाबूजी की तरह है। मुझे अकेला छोड़ दो। अभी गुस्सा उतारती हूँ इस एंग्री किडमैन का। हेलो जी पापा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? 11 को कविता को लेके जाना पड़ा। अर्ना की तबीयत खराब हुई तो रीत को उसका ध्यान रखना पड़ा। हालत है उसकी। अब जब सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें घर पे बिताना चाहिए, तुम हमेशा गायब रहते हो। पापा वो एक्चुअली आज होटल में सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी तो सब। बेटा 25 साल होटल चलाया हमने, बच्चे भी पाले हैं, हमें मत सिखाओ। होटल में स्टाफ किस लिए रखा हुआ है? इसलिए ना कि हमारा काम हल्का हो जी। वर्क और लाइफ बैलेंस कुछ होता है कि नहीं? चलिए जाने दीजिए, काम ही तो कर रहा था वो। तीसरा बच्चा आने वाला कविता, इसका कब सीखेगा? और तुम ये मीटिंग्स वीटिंग्स सब घर पे शुरू करो या ऑनलाइन करो। बेटा अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सालों बाद जब मुझे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज करोगे बताओ? मेरे पास ना एक आइडिया है। बेटा मैं जानती हूँ कि तू पापा की मदद करना चाहता है, लेकिन तू जितनी भी कोशिश कर ले तेरे पास टाइम कम ही रहने वाला है। तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए आरना और कियारा को किसी हॉबी क्लासेस में डाल दे। आरव जाता है ना मार्शल आर्ट सीखने, कियारा और आरना को भी सीखना चाहिए, ये चीजें काम आएंगी। और आरव होगा ना तो तीनों बच्चे एक साथ में एंजॉय भी कर लेंगे। पर मम्मी जी, कियारा और आरना का तो वैसे ही पूरा स्केड्यूल फिक्स है। सुबह स्कूल जाती हैं, उसके बाद ट्यूशन और घर पे आके होमवर्क। हर महीने उनके हाउस टेस्ट होते हैं। वैसे भी मैं आरव और कथा पर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहती। अरे बेटा, जितना मैं आरव को जानता हूँ ना, वो खुशी खुशी अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखेगा। और कथा ने तो मुझे कह ही दिया है अपना समझने को, तो निभाने दो ना उसे ताईजी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी कियारा और आरना दोनों पढ़ाई में अच्छी हैं, लेकिन बेटा पढ़ाई जितनी जरूरी है ना, खेल कूद भी उतना ही जरूरी है। हाँ। ओके पापा जी। रीत, सॉरी यार, देख माफ कर दे रीत। अच्छा कल से ना मैं पूरा टाइम घर पे रहूंगा तेरे साथ, प्रॉमिस, तेरी सेवा में। पापा जी ठीक कह रहे थे, तुम कुछ बैलेंस नहीं करते। या पापा जी और मम्मी जी उस कथा को मेरी जिंदगी में थोपते जा रहे हैं और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रीत, और रहन दे रीत, और टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा। तुम तो टेंशन लेते नहीं, किसी एक को तो लेनी पड़ेगी ना युवराज। तुम देख लेना, बहुत जल्दी वो कथा इस घर में मिलेगी, हमारे साथ वाले कमरे में, फिर रोना बैठ के। ओ यार रीत, एक ही हो गया, इस कथा की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देते? कम से कम मेरा पीछा तो छूटे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, और इस वक्त ना तुम्हारी शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा मेरा। जाने दो मुझे, हटो पीछे। हेलो, अभी मिल सकते क्या प्लीज? श्योर, ओके।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना करूं। हो रहा बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा से ही बात करता हूं मैं। वो भी मुझे गलती समझेगा। जस्ट ग्रेट। वाओ, व्हाट टाइमिंग। पर्णलेखा आंटी मुंबई में? Doing, Viaan? कथा एक इंडिपेंडेंट औरत है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसे गलत रास्ते पे जाने दूँ, जानते हुए भी कि एसन गलत सोच रहा है, उसे मैनिपुलेट करेगा। अगर वो खुद जाना चाहती है तो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।